सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आलू टिक्की बताऊंगी। वो बहुत ही टेस्टी होती है। शाम के नाश्ते में अगर आपको कुछ ना मिले तो आप घर पे ही आलू टिक्की बना सकते हैं। तो मैं वीडियो देखने से पहले, आप मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो आइए बताते हैं आलू टिक्की बनाने के लिए हमने किन किन इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया है। आलू टिक्की बनाने के लिए हमने लिए हैं, हमने कुछ आलू लिए हैं जिसे हमने उबाल लिया है अच्छे से, और मैं इसे कद्दूकस करूंगी। हमने सूजी लिए हैं, वो सूजी से हमारी टिक्की जो है बहुत ही क्रिस्पी क्रंची होगी और बहुत ही टेस्टी लगेंगी खाने में। हमने कुछ मटर लिए हैं और ऑनियंस हमने लिया है जिसे हमने बारीक काट लिए हैं। कुछ धनिया पत्ता हमने लिया है, हरा धनिया पत्ता, और हमने शिमला मिर्च लिया है, एक शिमला मिर्च हमने लिया है जिसे हमने बारीक काट लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक, हमने चाट मसाला इसमें यूज करना है, बहुत ही टेस्टी लगती है, इसका फ्लेवर बहुत ही आपको मज़ा आएगा खाने में। और हमने रेड चिली पाउडर लिया है, हमने कुछ अदरक के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, और इसमें आमचूर है तो आप आमचूर डालिए, नहीं तो नींबू का रस आप इसमें एक चम्मच डाल सकते हैं। और एक हमने हरी मिर्च लिया है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। एक बॉल में मैं इन सभी आलू को कद्दूकस कर लूंगी। मैं कद्दूकस ऐसे तो मैं हाथ से भी इसे मैश सकती हूँ, बट मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि उसमें तो कुछ हमारे जो रहते हैं वो आलू की गांठ जो रह जाती है, इसीलिए मैं ऐसे कटने से हमारी सारी आलू जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। इसी तरह मैं सारे आलू को कद्दूकस कर लूँगी। देखिए हमने सभी आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसमें धनिया पत्ती रखूंगी। चाट मसाला जो मैंने आपके भून लिया था उसे मैं ऐड करूंगी। लाल मिर्च पाउडर, और हमने जो आपको बोला था नींबू का रस थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें खट्टा खाना पसंद करते हैं तो ही रखिए, नहीं तो जरूरी नहीं है। और इसमें मैं रखूंगी नमक, स्वाद अनुसार नमक रखें। हमने चाट मसाला भी रखा है इसीलिए मैं इसमें कम ही रखूंगी, जितना आप नमक खाना चाहते हैं उसी हिसाब से रखे, और मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं फ्लेम ऑन करूंगी। देखिए हमने फ्लेम ऑन कर लिया है, हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और हमारी ऑयल लगभग गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें मैंने जो अदरक काटे हुए थे छोटे छोटे टुकड़ों में उसे मैं डालूंगी, और मैंने एक जो हरी मिर्च ली थी उसे मैं इसमें डालूंगी, और इसे मैं थोड़ी सी पकने दूंगी। मेरी अदरक और मिर्चा जो है वो पक चुकी है।
मैं इसमें ऑनियंस जो ली हुई हूँ उसे ऐड करूँगी और मैं इसमें हरे मटर को ऐड करूँगी। थोड़े दिन मैं इसे पकाऊंगी। हमारी जो सब्जियां है वो अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें आलू में जो हमने सारे मसाले को ऐड किया था उसे मैं इसमें डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से भूनूंगी थोड़ी देर के लिए। ये बनके बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। आप इसे अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, नाश्ते में आप शाम को भी इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। मेरी आलू जो है लगभग भून गई है। मैं इसमें सूजी जो मैंने एक कटोरे लिए थे उसे मैं इसमें ऐड करूंगी और मैं इसे अच्छे से मिलाऊंगी। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप इसमें चूड़ा को आप पीस के उसमें पाउडर बना के उसका ऐड कर सकती हैं या चावल को पीसा हुआ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारी जो आलू टिक्की जो है वो क्रंची स्पाइसी बनेगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारी आलू की जो डो है वो बनके पक चुकी है, वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे बर्तन में निकाल के थोड़े ठंडे होने दूंगी, फिर मैं इसे टिक्की का शेप दे दूंगी छोटे छोटे टिक्की में, फिर मैं इसे फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसे, मेरी जो आलू है वो ठंडी हो चुकी है, मैं अपने दोनों हाथ में अच्छी तरह से ऑयल लगा ली हूँ जिससे हमारी आंखों पे ये चिपके नहीं, और मैं इसे टिक्की का शेप दूंगी। देखिए इस तरह से मैं सभी आलू का शेप दे दूंगी टिक्की का, और हमारी जो आलू है और ये बहुत टेस्टी और क्रंची बन के रेडी हो जाएगी। देखिए हमने सभी आलू को टिक्की का शेप दे दिया है। अब मैं इसे डीप फ्राई कर लूंगी। देखिए हमारी ऑयल जो है गर्म हो चुकी है और मैं इसमें सभी को बारी बारी करके डीप फ्राई करने के लिए रख दूंगी। आप इसमें चाहे तो ऊपर से हल्का सूजी इसमें लगा के फिर रखें, इससे हमारी जो बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनेगी। देखिए हमारे तरफ से जो है वो अच्छी तरह से बच चुकी है, गोल्डन ब्राउन कीजिए, इसमें ज़्यादा इसको जलने ना देना दीजिएगा। देखिए हमारी आलू टिक्की जो है बन गई है, हमने इसे डीप फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी और भी जो मेरे हैं उन सभी को डीप फ्राई मैं कर लूंगी। थोड़े से इसमें ऑयल ज़्यादा ही चली जाती है, इसलिए आप इसे निकालते वक्त थोड़े छन्नी में रख के इसे रोक लें, जिससे हमारी ऑयल जो है निकल जाएगी। और इसे ऑयल निकालने के लिए आप इसे टिश्यू पेपर भी पर भी डाल सकते हैं। मैं इन सभी को डीप फ्राई कर लूंगी और बारी बारी से
हमने सभी को डीप फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे प्लेटिंग कर लूंगी। हमारी जो गर्मा गर्म आलू टिक्की जो बनके रेडी हो चुकी है, ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनी हुई है। ये सॉस के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने टमाटो सॉस के साथ इसे सर्व किया है। आप अपने घर में हमारे बताए हुए अनुसार ही बनाएं, नाश्ते में या बच्चे के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। सुबह शाम नाश्ते में आप बना के इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर दें ताकि हम और भी नए नए वीडियो का अप टू डेट आपको देते रहें। इसी के साथ मैं फिर एक नया वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।